जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जीवन साथियों, जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार हैं। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरियों से देखते हैं। कोई कहता है जिंदगी एक खेल है, लाइफ इज ए गेम। कोई कहता है जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, लाइफ इज ए गिफ्ट। कोई कहता है जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज ए जर्नी। कोई कहता है जीवन एक दौड़ है, लाइफ इज ए रेस। और बहुत कुछ। मैं आज यहाँ पर जीवन के बारे में अपने विचार शेयर कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल है, लाइफ इज ए गेम। और मनुष्य इस खेल का मुख्य खिलाड़ी। यह खेल मनुष्य को हर पल खेलना पड़ता है। इस खेल का नाम है गेम इज थॉट्स, विचारों का खेल। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बचकर रहना पड़ता है। मनुष्य अपने दुश्मनों से जब तक नहीं बच सकता, जब तक मनुष्य के मित्र उसके साथ नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र विचार थॉट्स, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है विचार ही है। मनुष्य के मित्रों को सकारात्मक विश्वास कहते हैं और मनुष्यों के दुश्मनों को नकारात्मक विश्वास कहा जाता है। मनुष्य दिन भर में 60,000 से 90,000 विचार के साथ रहता है, यानी हर पल मनुष्य एक नए दोस्त या दुश्मन से सामना करता है। मनुष्य का जीवन विचारों के चयन का एक खेल है। इस खेल में मनुष्य को यह पहचानना होता है कौन सा विचार उसका दुश्मन है और कौन सा उसका दोस्त, और फिर मनुष्य को अपने दोस्त को चुनना होता है। हर दोस्त अपने साथ कई अन्य दोस्तों को लाता है, अपने साथ अनेक दुश्मनों को भी लाता है। इस खेल का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य जब नियंत्रण दुश्मनों को चुनता है तो उसकी आदत पड़ जाती है, और अगर वह नियंत्रण दोस्तों को चुनता है तो उसकी आदत ही पड़ जाती है। जब भी मनुष्य कोई गलती करता है और कुछ दुश्मनों को चुन लेता है तो वह दुश्मन मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं, और फिर मनुष्य स्वयं पर काबू नहीं रहता, और फिर मनुष्य निरंतर अपने दुश्मनों को चुनता रहता है। मनुष्य के पास जब ज़्यादा मित्र रहते हैं और उसके दुश्मनों की संख्या कम रहती है तो मनुष्य निरंतर इस खेल को जीतता जाता है। मनुष्य जब जीतता है तो वह अच्छे कार्य करने लगता है और सफलता उसके कदम चूमती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और वह खुश रहता है। लेकिन जब मनुष्य के दुश्मन मनुष्य के मित्रों से मजबूत हो जाते हैं तो मनुष्य हर पल इस खेल को हारता जाता है और निराश एवं क्रोधित होने लगता है। मनुष्य को विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के दुश्मन मनुष्य को ललचाते हैं और मनुष्य को लगता है वही उसके दोस्त हैं। जो लोग इस खेल को खेलना सीख जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो इस खेल को समझ नहीं पाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इस खेल में ज़्यादातर लोगों की समस्या यही नहीं कि वे अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानते नहीं, बल्कि समस्या यह है कि दुश्मन को पहचानते हुए भी उन्हें चुन लेते हैं।